यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यमुनानगर जिले के महड़ी गांव में एक 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की घर पर अकेली सो रही थी, उसी दौरान चार बदमाश उसके घर घुस गए और गांव में ही बनी धर्मशाला में उसे ले गए। फिर नाबालिग के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ गैंगरेप किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं। ये रात का मामला है, चार लड़के आए मेरे मुंह पे कपड़ा बांध के मुझे उठा के लेते गए धर्मशाला के मंदिर के पास कमरा। गलत काम करा, हम मजदूरी के लिए लाड़ बजा रहे थे, घर पे लड़की खेल ली थी, पीछे से चार लड़कों छोटे छोटे बच्चे थे, पीछे से वार करा, लड़की खेल ली थी घर। आपको कैसे पता लगा आप सुबह यहाँ जी? हम आए अगले दिन भी लड़की रोती मिली, फिर लड़की ने मर से बताया, हम वहाँ गए, हमने यहाँ से दरखास्त लिखवाई थाने में।